जीवन आत्मा बालवीर तुम आ गए। वो देखो बच्चे जीत गए। हाँ मैंने देखा। सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मतलब विचित्र कुछ ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक। शुक्रिया बालवीर। तो अब चले। एक बार ठहरो बालवीर। मानव हाँ ये मैच हमारे दोस्त की वजह से जीते हैं। चल पहले उसे थैंक यू कहते हैं। बालवीर तुम यहाँ हमारा मैच देखने आए थे? हाँ और मैंने देखा भी कि तुम लोगों ने कैसे बिना हिम्मत हारे उन बड़े बच्चों का मुकाबला किया। हाँ बालवीर पर ये सब हमारे दोस्त की वजह से हुआ है। शुक्रिया दोस्त। हाँ मानो महन अब अपने दोस्त को अलविदा कह दो। अलविदा? पर क्यों बालवीर? बालवीर कहीं तुम उसे वापस लेकर नहीं जा रहे ना? हाँ मानो महर मैं उसे उसके घर ले जाने आया। दोस्त हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी दोस्त। अब चले। हाँ बाय दोस्त। बाय। ये लीजिए विचित्र गुप्त जी आपकी जीवन आत्मा। शुक्रिया बालवीर। और नटखट जीवन आत्मा? नहीं विचित्र गुप्त जी अब ये नटखट जीवन आत्मा नहीं बल्कि अच्छी और सच्ची जीवन आत्मा है। अच्छा? हाँ और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बालवीर। शुक्रिया। अरे तुमने मेरी बात मानी इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। याद रखो प्रकृति ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए और हमें उसका पालन करना चाहिए। उसे तोड़ना नहीं चाहिए वरना प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। समझ गया बालवीर। शुक्रिया बालवीर। शुक्रिया बल्लू। आप सभी ने मिलकर बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। ये तो हमारा फर्ज था विचित्र गुप्त जी। चले जीवन आत्मा यह तुम्हें और भी घूमना है। नहीं नहीं चलिए जीवन लोक चलते हैं। स्मिता ये क्या क्या कर रही हो तुम? सॉरी ये बाल ऐसे बिखर जाते हैं पता है? क्या कर क्या रही हो तुम? अरे माँ ने जो आपको स्वेटर दिया था ना वो स्वेटर ढूंढ रही हूँ। अच्छा पता नहीं कहाँ चला गया है। स्वेटर ऐसा 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 करके कहीं चला गया? स्मिता स्वेटर के हाथ होते हैं पैर नहीं होते। महेश मतलब ढूंढो तुम वहां सेकंड में। हाँ उधर ही होगा। मतलब यहाँ पे ये लो ढूंढ रही थी आपका स्वेटर और मिल गया आपका ये फेवरेट लाल कोट। मेरा पुराना फेवरेट लाल। तब मैं थोड़ा सा मोटा था इसलिए लेकिन अभी मस्त। स्मिता तुम्हें पता है ये कोट पहन के जब मैं कॉलेज में ऐसा निकलता था ना लोग मुझे क्या कहते थे पता है? कूली। ऊपर रख दीजिए बैग। अरे कूली नंबर वन बोलते थे गोविंदा।
अरे मिथुन, लोग मुझे मिथुन भी बोलते थे पता है, और तुम्हें पता, पता है पता है पता है कि हनीमून में भी जब हम गए थे ना तो हर एक फोटोज में आपकी ये लाल कोठी नजर आती थी। यस। बाकी सब कुछ बदल जाता था लेकिन ये लाल कोट वहीं की वहीं रहती थी। विदा, ये कोट है ही इतना अच्छा। गंदा, मतलब गंदा हो गया है ना। निकाल दीजिए। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं इसे ड्राई क्लीनिंग में देके आता हूँ, वापस आएगा चकाचक हो गए। या ला 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 ला। खुश रहो डुबा डुबा चार, खुश रहो। खुश रही सुरक्षा परी आप, मगर आप तो होती हैं हमेशा हमारे कारागार की सुरक्षा में तैनात, फिर आज आप यहाँ अचानक कैसे, सब ठीक तो है ना? नहीं, और इसीलिए हमें इसी समय बाल परी से मिलना है, हमें उन्हें एक जरूरी सूचना देनी है। हाँ वो मैं पहुँचाता तुरंत आपका संदेश बाल परी तक। ये सब बाद में, पहले जाके कहो बाल परी से कि आई है सुरक्षा परी, लाई है कोई जरूरी सूचना। ये सब बाद में, आई है सुरक्षा परी यहाँ पे, पहुँचाना ये संदेश बाल परी तक। तू पहुँचाता खुश रहो डुबा डुबा दो। ये सब बाद में, आई है सुरक्षा परी कारागृह से, पहुँचाना है संदेश बाल परी को। क्या यहाँ सुरक्षा परी कारागृह से? फिर तो जरूर होगी कोई गंभीर बात। अभी हूँ, बताता बाल परी को ये मैं। बुरी शक्तियाँ बार बार बच्चों को अपना निशाना बना रही हैं बाल परी। हाँ बाल परी, हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई नई योजनाएं बनानी होगी। बाल परी, बाल परी, बाल परी, क्या बात है डूबा डूबा एक? हे आई आपसे मिलने सुरक्षा परी। सुरक्षा परी? सुरक्षा परी यहाँ? हाँ, और मिलकर आपसे है देनी उन्हें आपको एक जरूरी सूचना। ठीक है, उन्हें तुरंत ही यहाँ भेज दीजिए। जी जरूर। सुरक्षा परी को तो कारागृह की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, वो सब छोड़कर उनका अचानक यहाँ पर आना ये अच्छा संकेत नहीं है बाल परी। हाँ अगर वो स्वयं यहाँ आई है तो समस्या सचमुच बड़ी होगी। अब समस्या बड़ी है या छोटी ये तो सुरक्षा परी को मिलने के बाद ही पता चलेगा। सुरक्षा परी, ऐसी कौन सी जरूरी सूचना देनी थी आपको कि आप कारागृह के रखवाली छोड़कर यहाँ आ गए? आप जानती है ना उस कारागृह में कितने खतरनाक अपराधी कैद है। जी बाल परी हम जानते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जिस कारागृह की सुरक्षा हम कर रहे थे उसी कारागृह का सबसे खतरनाक अपराधी और जादुई शक्तियों का मालिक हो गया मुगु मैंगो, वहां से भाग गए। क्या ये कैसे हो सकता है? सुरक्षा परी आपको पता है ना 16वीं सदी में इतने सालों उसका पीछा करने के बाद इतनी मुश्किल से हमने उसे कैद किया था, और आप इतनी आसानी से कह रही हैं कि वो भाग गया, पर वो वहां से कैसे भाग सकता है? वहां पर तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध है ना। हम जानते हैं विस्तार परी, पर उसने कब और कैसे कारागृह के नीचे सुरंग बना ली हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? शांत हो जाइए परियो, हम जानते हैं मोगेम्बो गोबेंगो बहुत ही खतरनाक अपराधी है, लेकिन अब उसके पास उसकी जादुई शक्तियां नहीं है। हाँ, और इसीलिए उसे ढूंढकर दोबारा पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। नहीं, इस बार मोगेम्बो गोबेंगो को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस समय हमारे लिए ये विषय ज्यादा चिंता का है कि वो कारागृह से अकेला नहीं भागा है, बल्कि वो अपने साथ जादुई शक्तियों से भरा हुआ हर इच्छा पूरी करने वाला क्रांति कोट लेके भाग गया है। क्या क्रांति कोट? ये अच्छा नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे बाल परी? क्रांति कोट के जादुई शक्तियों के सहारे वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है, और चाहे तो गायब भी हो सकता है। हाँ, मोगेम्बो गोमेंगो खुद ही इतना खतरनाक है, और ऊपर से उसके साथ ये करामाती कोट होना,
ये तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है बाल परी। मानो जैसे जैसे बाढ़ के साथ कोई तूफान आ गया हो। परियो, इससे पहले कि मोगैम्बो गुमैंगो नाम का ये तूफान कुछ नुकसान पहुंचाए, हमें फिर से उसे कैद करना ही होगा, वरना परीलोक और पृथ्वीलोक खतरा और भी बढ़ सकता है और ये अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, चुप, बदतमीज। सर सर, आपको नहीं, हवलदार। नो सर। अरे सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे 6 सबसे होशियार और टॉप के जवान यहाँ सिक्योरिटी पर हैं सर। अरे सर, हमारी इच्छा के बिना मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती, मक्खी। आप आराम से चद्दर तान के सो जाइए सर। डोंट वरी सर। जी सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। जवानों, जवानों यहाँ आओ। अरे मिस्टर भट्टी, आप लोग आ क्यों नहीं रहे? यहाँ पे जवान कोई नहीं, सब बूढ़े हैं सर। भट्टी, आप लोग बूढ़े हैं लेकिन जवानों से कम नहीं हो, एकदम चुस्त हो। सब लोग आ जाओ। हाँ देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम लोग जिस चीज की यहाँ रखवाली कर रहे हैं, वो चीज बेहद कीमती है और बेहद प्राचीन है, इसलिए सुबह होने तक वो चीज बिल्कुल यहाँ से चोरी नहीं होनी चाहिए। कल सुबह के बाद चोरी हो जाए तो चलेगा? अरे हमारा कहने का मतलब था कि सुबह तक रखवाली करनी है, सुबह के बाद वो यहाँ से बड़े म्यूजियम में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आज की रात कोई भी सोएगा नहीं, है ना? और अपने दोनों आंख और दोनों कान खुले रखकर पूरी रात यहाँ से वहां पहरा देना है, पहरेदारी करनी है, रखवाली करनी है। ओके यस सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। आज तक मोगैम्बो को मैंगो ने जो भी चाहे बड़ी आसानी से पाए, है ना मेरे करामाती कोट? जमीन को चीरना हो, चाहे आसमान में छेद करना हो, ये तो मेरे बायात का खेल है। आज तक ना ही मुझे कोई रोक पाए, ना ही मेरी मनपसंद चीज पाने के लिए कोई मुझे रोक पाएगा। बड़ी सी बड़ी दीवार हो या सामने आग से भरी नदी क्यों ना हो, उसे तो मैं एक चुटकी में पार कर लूंगा। ये तो मामूली सी सेना है,
इसे तो मैं ऐसे पार करूंगा इन्हें भरक तक नहीं पहुंचेगी। सिपाहियों में से कोई भी ना देख पाए। मारा नहीं तूने? अरे सच्ची कसम से नहीं मारा। सच बोल रहा है? हाँ। ए? मैंने बोला ना तेरे को नहीं मारा, फिर क्यों मारा मेरे को? देख बकवास मत कर। ए, एक तो गलती कर रहा है ऊपर से झगड़ा और कर रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? फिर तूने मारा मुझे अभी। जब तक बोल जाएगी मारा मारा। डोंट वरी, केवल कांच टूटा है। चलो। ये भगवान, सर देखो तो सही, हार भी चोरी हो गया। अरे, मेरे छह नौजवानों के होते हुए हार कैसे चोरी हो गई? अरे अब मैं अपने सर को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे रहते हुए रानी इंदुमती का इतना प्राचीन हार कैसे चोरी हो गया? कैसे हो गया?